हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आए दिन आए इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फ़हीम अंसारी। मैं अभी इस वक्त मोहिली में हूँ और मेरे पीछे जो रूम है, क्या नाम है इनका? शबाना शेख। यहाँ पे कितने शबाना शेख हो गए, बाप रे बाप। कितने, कम से कम चार शबाना एक ही जगह पे है तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस जगह पे भी इनका जो रूम है, टोटल 200 स्क्वायर फीट का रूम है 1 RK का, और इन्होंने रूम बुक कराया। और अभी इनका रूम का पोजीशन, ये पूरा काम जो है अंदर का इनकी चॉइस से हुआ है, तो देखेंगे हम लोग अंदर का काम। ये पूरा जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी फैमिली भी इनकी आई हुई है। ये जैसे पूरी बाहर की ढोलपुरी आप देख रहे हो, ये ढोलपुरी आधी लगाना बाकी है अभी, ढोलपुरी यहाँ पे भी टाइल्स ख़त्म हो गए इसकी वजह से। ये पूरा काम हमारा ही है। ये सामने जैसे आप देख रहे हो, ये डोर है और यहाँ पे ग्रीन मार्बल का फ्रेम, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन मार्बल का फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पे भी ग्रीन मार्बल का फ्रेम, यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो अभी हम लोग जो है रूम के अंदर देखते हैं, बाहर की ग्रिल और विंडोज़, ये सब हमारे तरफ से किया हुआ काम है। तो चलते हैं रूम के अंदर। अभी ये जैसे देख रहे हो, ये 200 स्क्वायर फीट का रूम है, काफ़ी बड़ा लग रहा होगा आपको ये एरिया। ये देखिए, ये जो है अपना हाफ टाइल्स है, 10x20 200 स्क्वायर फीट का रूम है, ये हाफ टाइल्स है ये देखिए। और नीचे की जो फ्लोरिंग है ये भी पूरी इनकी चॉइस की हुई है। सामने इसके ऊपर आता है कलर, कलर जो कॉम्बिनेशन है पूरा पूरा चॉइस जो है इन्हीं का है। ये देखिए आपके सामने इन्होंने ट्यूबलाइट लगाया हुआ है, ऊपर की लाइट जो है, ऊपर की लाइट का कनेक्शन हमने कर दिया है, लेकिन ये जब LED वगैरह लेकर के आएंगे तो ये कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड के अंदर जो है पूरा कनेक्शन है ऊपर लाइट वीट के लिए। ऊपर आपके सामने फ़ैन लगा लिया इन्होंने। अभी ये था 1 RK का रूम, ये फ्रंट का हॉल का। यहाँ पे TV वगैरह लगा सकते हैं, इतना स्पेस काफ़ी हम लोग ने, ये दीवार के अंदर जो है TV लगाने के बाद कितना बेहतर लगेगा। ये किचन में जाने के लिए एंट्री है, इन्होंने L-टाइप किचन प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। यहाँ पे आप कर्टन्स लगा सकते हो, हम अपने कस्टमर को बताते हैं कि अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जैसे आपके सामने दिख रहा है ये L-टाइप का किचन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जैसे आप टाइल्स देख रहे हो, ये टाइल्स हमारे तरफ से रहती है, पूरी फुल टाइल्स रहती है किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये POP भी हम करके दिए हैं, और ऊपर जो लगी हुई है 500 लीटर पानी की टाँकी, जैसे हमारे कस्टमर को देते हैं। यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा ये एक बोर्ड दिया हुआ है, सामने बिरयानी रखी हुई है, खाना हो चुका है इनका। तो अभी इस वक्त आपके सामने ये रूम के अंदर आपको दिख रहा होगा, पूरा नल वगैरह लगा के फिटिंग करके, ये देखिए ऊपर का फुल टाइल्स, ठीक है यहाँ पे। और ये बाथरूम अलग अलग रखवाए हैं दोनों, ये देखिए आपके सामने ये पूरा क्लीन हो गया है। अभी इसके अंदर रहने के लिए कब आएंगे, कैसा इन्होंने किस तरीके से रूम लिया, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जो है हमारे वीडियोस को देखते हैं तो हमारे शबाना आपा से बात करेंगे, उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली है, तो मेरे ख्याल से उनके ससुर जी और उनके हस्बैंड बात करेंगे हमारे से, तो बुलाते हैं हमारे शबाना आपा के हस्बैंड को। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको रूम दिखाया, ये शबाना आपा जी का रूम है और ये अमीनुल साहब जी मेरे बाजू में खड़े हैं, और इन्होंने हमारे से रूम लिया है। मेरे को वो दिन याद है कि ये रात में आए थे, नहीं रात में, शाम तक, शाम के टाइम में आए थे। तो हम लोग बात करते हैं। सलाम वालेकुम अमीनुल भाई, कैसे हो? सलाम, ठीक है। तो ये हमारे अमीनुल भाई है, कहाँ रहते हैं अमीनुल भाई? हम लोग मानकुर में रहते हैं, मानकुर चीता कैम्प जी, चीता कैम्प में रहते हैं मानकुर में। और मेरे ख्याल से आपने कहाँ देखा था हमारे को? मैंने, मेरी वाइफ ने ही बताई थी मुझे YouTube पे देख के हमको। तो शबाना आप खड़े हैं वहाँ से हंस रहे, लेकिन बाकी ऐसा है कि आइडिया उन्होंने दिया था, आइडिया उन्होंने उनका ही था, देख के मुझे पता है तब जाके हम लोग ने। तो आपने जगह देखते साथ ही तुरंत डाउन पेमेंट किया था? तुरंत डाउन पेमेंट ने पहले थोड़े दिन आए थे, फिर इंक्वायरी करके। तो कितने रुपए स्टार्टिंग में भरे थे आपने? स्टार्टिंग में पूरा मतलब 1,10,000 रुपये भरे थे, स्टार्टिंग में 1,10,000 ये रूम के लिए। जैसे आपने देखा अमीनुल भाई ने इस रूम के लिए 1,10,000 रुपये पे किया है, यानी ये रूम कितने का पड़ा आपको? हमको 5.5 लाख का पड़ा, 5.5 लाख रुपये, अभी 6 लाख रुपया हो गया ये रूम का, मालूम पड़ चुका है आपको। ये दिल में खुशी भी है कि मतलब भाई हमारे रूम की कॉस्ट भी बढ़ रही है, पर इनका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे से डील किया है वो डील उतने की है, उतने ही। क्या काम करते हो अमीनुल भाई? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड में कहाँ पे काम करते हो? ये एंटाफिल में, टाटा पावर में। टाटा पावर में काम करते हो, एंटाफिल में। देख रहे हो जैसे हमारे अमीनुल भाई जो है रहते गोवंडी में, गोवंडी ना, चीता के मानकुर, मानकुर चीता के।
तो वहाँ रहते हैं और काम करते हैं वहाँ पे। और इस वक्त जो है बनेली गांव में लिया है, तो आप रेंट पे रहते हो क्या? जी मैं रेंट पे रहता हूँ। हाँ। मुमरा में मेरा खुद का घर है। मुमरा में खुद का घर है, आप रेंट पे रहते हो जी। तो ये घर में आप रहने के लिए शिफ्टिंग करेंगे? इसको रेंट पे छोड़ेंगे। रेंट पे छोड़ेंगे, वाह गुड न्यूज़ है। ये सबसे बड़ी बात ये कि ये रेंट पे देना है, तो जिन भाई साहब को लेना है मैं बता दूं सब यहाँ पे कितने का रेंट मिलेगा। यहाँ पे 1500 रुपये का रेंट है ये इस रूम का, और 5000 रुपये डिपॉजिट है। जिन भाई साहब को अगर ये दिख रहा है कि आपको ये रूम रेंट पे लेना है, तो बेफिक्र होकर कॉल कीजिएगा। ज़्यादा दिन के लिए ये रूम नहीं रुकेगा, कन्फर्म है कि सिर्फ 7 दिन के अंदर रूम निकल जाएगा, गारंटी है। क्योंकि यहाँ पर आप जैसा काम देखें, काम देखने के बाद में 1500 रुपये इस रेंट कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि बॉम्बे से लोग यहाँ पे आने के लिए यही देखते हैं कि कुछ पैसे बचने चाहिए, बचेंगे तभी तो हमारे पास से रूम खरीदेंगे। सही है ना? बिल्कुल। आपके साथ कौन कौन आया है? मेरे साथ मेरे अम्मी है, मेरे अब्बू है। अच्छा, बाजू में रहते मेरे भाई भाई। अच्छा, तो अभी चाचा के हाथ में फ़ोन दो दे भाई। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या रहमतुल्लाह। मुमरा में रहते हो चाचा? हाँ समझ में आ गया मेरे, इन्होंने कहा मुमरा में खुद का घर है तो चाचा ही रहते हैं। कितने बेटे हैं आपको चाचा? बच्चे कितने आपको? बच्चे मेरा 7 है। 7 बच्चे हैं, लड़का लड़की? तीन लड़का। सब वहीं रहते बॉम्बे में ही? हाँ, क्या गांव रहते? इधर उधर। गांव कौन सा चाचा आपका? हमारा गांव कलकत्ता है। कलकत्ता के हो? कलकत्ता में कहाँ पे हो? कलकत्ता बसीराट में। हाँ, उत्तर 24 परगना। अच्छा, वो अभी तो नाम इतना थोड़ा अलग है, तो हमारे कस्टमर कलकत्ता के काफ़ी है, और कभी कभी पूछते भी है कि कलकत्ता के किसी ने बुक किया है, तो भाई हमारे सामने है चाचा। और कलकत्ता में जैसे कि इन्होंने एड्रेस बताया, कौन सा गांव बताया चाचा? उत्तर 24 परगना बसीराट। बसीरा? बसीरघाट। बसीरघाट, बसीरघाट ना जी। तो ये उस जगह के हैं, मैं तो वो एरिया के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन कलकत्ता के जो कस्टमर हैं आप देख सकते हैं चाचा वहाँ के हैं, लेकिन रहते मुमरा में हैं इस वक्त। इनके लड़के ने आपको बताया था इन्होंने बुकिंग कराया था? सरप्राइज। क्या बात कर रहे हो? सरप्राइज दिए, आज ले गया। अच्छा, ये घर कैसा लगा चाचा आपको? अभी ये सरप्राइज की बात है तो फिर तो एक्साइटमेंट ही कुछ और होना चाहिए, है ना? एक्साइटमेंट ही कुछ होना। अच्छा लगा कि बहुत खराब लगा कि नहीं? 1,10,000 रुपये दिया, अगर बच्चे का पैसा डूब जाता तो? नहीं डूबेगा तो नहीं, ये पैसा कभी डूबता नहीं है। हाँ, इतना तो हमको मालूम है, जमीन का पैसा कभी डूबता नहीं, अगर कोई बेईमानी ना करे तो। हाँ, बेईमानी नहीं करे तो आपके पैसे नहीं डूबेंगे, ये गारंटी है। जैसे हमारे चाचा ने कहा, सही एक बात बताता हूँ दोस्तों, अगर आपको सही कनेक्शन अगर मिल जाए कि ज़मीन खरीदने वाला आदमी, अगर देने वाला आदमी बरोबर मिल गया, तो आपके पैसे कभी नहीं डूबेंगे। ठीक है, चाचा ने भी बहुत सारा मतलब सौदा इधर उधर करके रखा है लगता है, बहुत सारा बताया नहीं है लड़के लोगों को? बहुत सारा नहीं रखा, थोड़ा रखा हूँ लेकिन करके रखा हूँ, और वो उतना तजुर्बा है। हाँ तजुर्बा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और चाची को कैसा लगा हमारा घर? चाची बोलो। हाँ देखो, अभी माँ बाप को सरप्राइज देना बच्चे के लिए एक गर्व की बात होती है, क्योंकि एक घर खरीद लेना वो चाचा को मालूम है कितनी मुसीबत से घर होता है। सही बात है कि नहीं चाचा? कैसा घर आपने जो कुछ करने के लिए कुछ मेहनत भी हो लगता है, कुछ खोना भी पड़ता है जी, कुछ तकलीफ भी उठाना पड़ता है, तभी तो होता है। नहीं नहीं सही बात है, तकलीफ। आपने मुमरा में कब घर खरीदा था? मुमरा में तो घर खरीदा कम से कम 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गया। इसके पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले मैं जुगेश्वरी में रहता था, वो जुगेश्वरी में मेरा खुद का रूम था। हाँ, लेकिन कुछ कारण में खराब हो गया, बोल के क्या। अच्छा, जो छूट गया वो छूट गया, जो है वो है जो है। तो आपके सामने जैसे हमारे चाचा जोगेश्वरी, जैसे अभी इस वक्त 7 साल हुआ है हमारा इनको रूम लेकर के मुमरा में, अब इनके लड़के ने यहाँ पे लिया और फर्स्ट टाइम इन्होंने यहाँ पे अपने माँ बाप को लेके आया, तो अचानक से अपने माँ बाप को लेके आने के बाद उन्होंने पूछा नहीं कहाँ लेके आ गया है, बोल। निकलने के टाइम में बताया कि टिटवाला जाना है, मगर बताया नहीं कि क्या क्यों जाना है। अच्छा, बताया आइडिया तो पता था, किसको आइडिया हो गया था? अम्मी का आइडिया हो गया था, क्या बात है, तो बहुत अच्छा है। चलो बिरयानी विरयानी भी बना के लेके आए। नहीं मैं तो पूरा रेडी होके आया, पूरा खाना वीना मैंने सब खा लिया था। अच्छा लगा कि आप लोगों ने, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने परिवार को सरप्राइज़ दिया, और एक्चुअली सरप्राइज़ भी मैं बता दूँ लोग क्यों देते हैं, मैं एक चीज़ बता दूँ, दो कारण होते हैं, एक तो माँ बाप की खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि मतलब बच्चे ने कुछ अचानक से करके दिखा, दूसरा ये कि मेरे पैसे डूब जाएंगे तो किसी को पता ना चले चल जाएगा, एक ये वजह से लोग नहीं बताते। नहीं,
ठीक है, अभी भरोसा है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये दो कारण है कि एक सरप्राइज रखने का, क्या नहीं को बहुत ज्यादा खुश हो जाए, एक पैसे डूब गए तो किसी को पता ना चले, एक ये दो कारण। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे तो पूरा भरोसा करके आए थे। हाँ, भरोसा करके आए थे। कितने टाइम से वीडियो देख रहे थे हमारा को, अभी अभी कितना 7-8 महीना हुआ अपने को बुकिंग करके, 2-3 महीने पहले से। अच्छा, 2-3 महीने ही हुआ था? एक साल हो चुका है इनको वीडियोस देखते देखते, यानी बुकिंग करने के 3 महीना पहले से इन्होंने वीडियो प्रॉपर देखा, रात को नींद नहीं आई है इनका, मतलब सच बता रहा। कितने बजे तक वीडियो देखते थे भाभी, कितने बजे तक वीडियो, कितने बजे तक? पूरी रात भर वीडियो देखने के बाद भाई का खून खटमल ने नहीं चूसा होगा, मच्छी ने भाभी ने चूस लिया, लेकिन आज कुछ बना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। 5.5 लाख की चीज आज ये चीज हो गई 6 लाख रुपए। आज आने वाले टाइम में जब तक के चाचा ये EMI पे करेंगे, मेरे ख्याल से ये 7-8 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी, सही है ना? और आबादी देख रहे हो कितनी कैसी हो गई, अभी अभी कितनी आबादी हो गई, अभी जब ये आए थे तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था, वहाँ पे एक रूम नहीं बने हुए थे। अब ये पूरा एरिया देख कैसे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, ऐसा आहिस्ते आहिस्ते करके हर एरिया जो है फुल डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, बस मेरा बोलने का मतलब ये है, आप बहुत दिनों से वीडियोस देख रहे हैं और सोच रहे हैं बुकिंग कराने के लिए, तो अमीनुल साहब क्या कहेंगे बुकिंग कराने के लिए, अगर बोल रहे हो सिर्फ देख रहे वीडियो तो बुकिंग करना तो हो गया ना आपका, नहीं दूसरों, अगर दूसरे लोग देख रहे हैं करना चाहिए, भरोसा है उनको है। लेकिन एक चीज ये है, कमी बताओ चाचा। कमी बात यही है, खाली आने जाने की रास्ता अगर, अच्छा अच्छा वो देखो चाचा, सही हो तो कोई भी मतलब पलट के आ जाते हैं। मैं जिस दिन नगर से मेरी गाड़ी फंस गई क्या है, कीचड़ का जो इतना, ये जमीन जो होती है ना, ये जमीन होती है नरम ना, बारिश के टाइम, बरसात का टाइम है, बरसात के बाद तो, ये बरसात के पहले जब आए थे कितना बहुत सूखा जमीन, यहाँ तक कट बड़े बड़े ट्रक आते हैं, अभी ट्रक अंदर आने की एंट्री बंद हो जाती है क्योंकि नरम जमीन फंस जाएगी इसकी वजह से। तो दोस्तों, डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं और इसी का बेनिफिट लेना चाहिए आप। एक्चुअल में एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपको, चाचा ने पूछ करके बहुत अच्छा किया, जिस दिन यहाँ पे रोड अच्छे हो जाएंगे, लाइट अच्छी हो जाएगी, स्कूल अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ हर चीज़ की फैसिलिटी हो जाएगी, तो आपको इंस्टॉलमेंट पे क्या यहाँ पे रूम भी आपके भाग के आएंगे यहाँ पे, नहीं नहीं अच्छा वो तो मिलेगा ही, साथ में यहाँ पे रूम जल्दी नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा मतलब हमको रेंट पे भी रूम नहीं मिलेगा, बिकत में भी रूम नहीं मिलेगा, और इंस्टॉलमेंट पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, जब हर चीज की फैसिलिटी हो चुकी होगी। यहाँ पे तो है लेकिन रोड रास्ते नाले सब बन जाए तो, आपको जैसे बताएं आपको कि हम लोगों ने जितने भी चीज, जितना भी हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते हुए गए। आप लोग ने हमारी पुरानी ऑफिस नहीं देखी, नहीं। क्या होता है हमारी जितने भी एरियाज है ना, वो आहिस्ते आहिस्ते डेवलपमेंट होता है, एक साथ डेवलपमेंट हो गया तो एरिया का प्राइस बढ़ जाता है। आज वो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे एरिया का प्राइस डेवलपमेंट का बढ़ चुका है, ऐसी 200 स्क्वायर फीट का रूम वहाँ पे 7 लाख रुपये का कैश में, 6.5 लाख रुपये कैश में, इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलता, ये फ़र्क होता है। तो ये चीज़ आपके भी यहाँ पे डिमांड, अभी बाजू में रोड है, रोड भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, ये छोटी सी गुफ्तगू हमारे अमीनुल साहब और उनकी फैमिली के साथ में, अच्छा लगा गुफ्तगू कर करके। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस देखने का बेनिफिट ये है कि आप वीडियोस देखते देखते इन्वेस्टमेंट करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रूम ले लो, इन्वेस्टमेंट करो। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे हम LIC लेते हैं, पॉलिसी लेते हैं, हम लोग बैंक में पैसा जमा करते, तो अगर आपका पैसा EMI यहाँ जमा होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप महीने का 5,000, 7,000, 6,000 जो भी जमा कर रहे हैं, एक जमा करते करते समझो आपका 1.5 से 2 लाख रुपए जमा होने के बाद में आपने कुछ डिसीजन लिया कि मुझे फार्म हाउस लेना है, या मुझे बिल्डिंग में फ्लैट लेना है, या मुझे चौल में, आपने सोच के रखा कुछ ना कुछ लेने का, लेकिन जब तक हम लोगों का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको इकट्ठा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है जो हमारे साथ में जुड़े हैं, ये उनके लिए। तो आपको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि वेट मत करो, वेट और उसका जो है वेट का मज़ा ले लो, कि मतलब मैंने इतना दिन रुका, अब मैंने वीडियोस देखा, अब मुझे बुकिंग करनी। मैं ये ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, बस ये है कि मैंने देखा है, मेरे कितने कस्टमर लोग, मैंने ये स्कीम चालू करने से पहले हमारी स्कीम थी कि 50% दो, तो ना उम्मीद होकर के घर से चले जाते थे। अभी जैसे अमीनुल साहब से ही मैं सवाल कर लूँ, चाचा एक मिनट, अगर अमीनुल साहब मुझे बताओ ये रूम की कीमत कितनी है, 5.5 लाख, मैं आपको ये 5 लाख में देता हूँ और बोलता 2.5 लाख मुझे दो, तो आप क्या बोलते? तब तो हो नहीं पाता था जल्दी,
वो थोड़ा था इसलिए भर के आस्ते ऐसे महीने में भर सकते थे। और मैं बोलता 2.5 लाख दो और 2.5 लाख साल भर में दो, 5 लाख का ही रूम देता, तब भी नहीं हो पाता था, तब भी नहीं हो पाता। आपने देखा, ये मैंने इनसे कोई गुफ्तगू नहीं की है, एक्चुअली ये रियल है। तो उसको स्कीम को बनाने का कारण ये है कि किसी का घर नहीं तो ये घर इस थ्रू हो जाएगा, समझ गए आप लोग। अभी अगर ये ईएमआई में भर रहे होते हैं तो इनका घर आज हुआ होता, जैसे अभी हुआ है, लेकिन इन्होंने डाउन पेमेंट किया है तो इनका घर बन के रेडी है। तो हर महीने जो ईएमआई भरते उनका भी घर ऐसे ही बन के मिलेगा, इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। कोई चीज़ की कमी लगी आपको? कोई चीज़ की कमी नहीं लगी। जैसे कि मेरे अमीनुल भाई, हाँ मैंने इनको लेट पोजीशन दिया क्योंकि हमारा काम हमारा थोड़ा लेट होता है, काम बहुत जगह चालू है। भाभी ने कहा बोलेंगे नहीं, लेकिन हम ज़रूर बोलेंगे, भाभी पीछे से खड़े नहीं, हमारे को मालूम है, हमारे को हमको अच्छा लगेगा कि हमारे कस्टमर लोगों को होना चाहिए थोड़ा लेट फास्ट हमारे तरफ से, इसके लिए होता है। दोस्तों काम बहुत ज़्यादा है, अमीनुल साहब ने जैसे देखा होगा ऑफिस में, देखा है ना, तो काम की वजह से हमारा जो है थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो दोस्तों मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मेरे पास 1 आर के अगर आप लेते हो तो 6,000 रुपये महीना, 1 BHK अगर आप लेते हो तो 8,500, 2 BHK अगर लेते हो तो आपको 11,000, और 3 BHK लेते हो तो आपको 16,000 रुपये की EMI में मिलता है। अगर आपका बजट कम है तो नेरल और खड़ौली में दे सकते हो 4,500 रुपये में, 1 BHK 6,500 रुपये में, और 2 BHK अगर आप लोगे तो वहाँ पर पड़ेगा आपको 8,500 रुपये में, 3 BHK अगर लोगे तो 12,500 रुपये में। तो ये चीज़ मिस मत करो, ये चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपको जो है सिर्फ पहला EMI देके बुकिंग कराना है। और मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपके लिए रेडी है, तो उसको मिस मत कीजिए। और मैं आपको बता दूं, जो अभी हमारे लकी ड्रॉ जितने भी निकले हैं, हम उसका एक वीडियोस बनाने वाले हैं। काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें निकली, आप लोगों ने देखा होगा 15 अगस्त के ऑफ़र में, जैसे हमारे बर्थडे के तोहफे ने बहुत सारे बांटे, तो अभी इस 15 अगस्त के तोहफे को हम लोग देखो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप देख करके बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मिठाई जो है, सबसे पहला ये मिठाई आप अपने डैडी को खिलाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। चाचा बहुत, अम्मी को एक दो, थोड़ा कैमरा उधर मेरा मेरा मिठाई खाना, और ये थोड़ा सा, वाह बहुत मिठाई खाते। भाभी ने जैसे बोले, भाई को भी खिला दो, हमारे भाई को, भाई बहुत बहुत मुबारक। जैसे हमारे साथ में देखे, मिठाई का बॉक्स मेरा है, ये मैं हमेशा लेके रहूँगा, ये मेरा ही है, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों हर कस्टमर के साथ हमारा रिलेशन ऐसे ही रहेगा, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।